नमस्कार, मैं प्रवीण वाजपेयी। अपने YouTube चैनल मैथपिन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग नंबर सिस्टम के यूनिक कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। इसकी पहली क्लास आपकी आ चुकी है। आज की क्लास में कुछ नया जरूर आप सीख के जाएंगे, इतना मैं आपसे वादा करता हूँ। ये जो क्लासेस हैं वो 5 से 10 मिनट की आपकी होंगी, जैसे मैं आपको हर एक चैप्टर के जो यूनिक चीज़ें हैं वो आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो इतना मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज भी आप कुछ नया जरूर सीख के जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली क्लास अगर आपने नहीं देखी तो जाके देख लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि दो अभाज्य संख्याओं का योगफल जो है वो 91 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को आप नॉर्मली ऐसे नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्याओं के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है। जैसे अगर क्रमागत संख्याएं बता दी जाएं तो आपको पता है कि क्रमागत जो संख्याएं होती हैं उनमें एक का डिफरेंस होता है। अगर सम संख्याएं हैं तो उनमें दो का डिफरेंस होता है, विषम संख्याएं हैं तो उनमें दो का डिफरेंस होता है, लेकिन अभाज्य संख्याओं में कोई रिलेशन नहीं होता है। तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद ये क्वेश्चन विद इन सेकेंड आप मौखिक सॉल्व कर सकते हो। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि तीन क्या है? एक अभाज्य संख्या है। पाँच क्या है? एक अभाज्य संख्या है। तो इसका योगफल क्या आया? आठ क्या है? एक सम संख्या है। क्लियर? इस तरीके से अगर हम पाँच ले लें, कोई भी संख्या ले लो आप, पाँच ले लिया हमने, सात ले लिया, तो कितना आया? 12, यानी कि सम संख्या आ रही। क्लियर? ऐसे ही अगर हम तीन का एग्जांपल लें, जैसे हमने लिया 3, 5, आप कुछ भी ले सकते हो, हम छोटा नंबर ले रहे हैं ताकि जोड़ने में आसानी रहे। 3, 5 और 7, इसका योगफल कितना आया? 7, 5, 12, 3, 15, यानी कि एक विषम संख्या आ रहा है। क्लियर? यहाँ से मैं कुछ आपको नया सिखाने वाला हूँ। उसके अलावा अगर हम जैसे यहाँ पर ले लें 5, 7, उसके अलावा 11, तो कितना आएगा? 11, 7, 18, 5 कितना हुआ? 23, यानी कि विषम संख्या आया। तो यहाँ से आपको एक चीज़ याद रखनी है कि दो अभाज्य संख्याओं का योगफल हमेशा एक क्या होता है? सम संख्या होता है। दो अभाज्य संख्याओं का योगफल आप जोड़ के देख लीजिए, दो अभाज्य संख्याओं का योगफल हमेशा एक सम संख्या होता है। जैसे यहाँ पे हमने 3 और 5 को जोड़ा, कितना आ रहा? 8, यानी कि सम संख्या आ रहा। 5 और 7 को जोड़ा, कितना आ रहा? 12, यानी कि सम संख्या आ रहा। उसके अलावा 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल हमेशा क्या होता है? विषम संख्या होता है। क्लियर? ये बात आपको समझ में आ गई। लेकिन अगर यहाँ पे 3 को हटा दें हम, या 5 को हटा दें, किसी एक को हटा दें और इसकी जगह पर हम 2 रख दें, तो इसका सम क्या होगा? 5 और 2, 7, यानी कि एक विषम संख्या आ रहा है। क्लियर? अगर यहाँ पे 5 को हटा के 2 रखोगे तब भी 5 आएगा, वो भी विषम संख्या। अगर जैसे हमने यहाँ पे 7 को हटा के 2 रख दिया तो यहाँ पे 5 और 2 कितना आ गया? 7, यानी कि विषम संख्या आ गया। क्लियर? इसी तरीके से अगर हमने यहाँ पे 3 को हटा दिया, 2 रख दिया, तो 7, 5, 12 और 2 कितना आ गया? 14, यानी कि सम संख्या आ गया। ठीक है? उसके अलावा यहाँ पे हमने 5 को हटा दिया, या 11 को हटा देते हैं, यहाँ पे 2 रख देते हैं, तो 7, 2, 9, 9, 5 कितना हुआ? 14, यानी कि सम संख्या आ रहा है। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप ये समझ पाए कि नॉर्मली दो अभाज्य संख्याओं का योगफल एक सम संख्या होता है और 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल एक विषम संख्या होता है। लेकिन जब हमने एक संख्या हटा के इसमें जो पहली अभाज्य संख्या है वो जोड़ दी, तो योगफल क्या है? जस्ट चेंज हो गया, यानी कि 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल जो है वो एक विषम संख्या आ रहा है और 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल एक सम संख्या आ रहा है। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद रखोगे कि अगर 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल, अगर 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल एक विषम संख्या आ रहा है, तो ये बात निश्चित रूप से कन्फर्म कही जा सकती है कि उसमें एक संख्या 2 निश्चित रूप से होगी, तभी उनका योगफल जो है वो विषम संख्या हो सकता है। अगर 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल, नॉर्मली तो विषम संख्या होता है, लेकिन अगर 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल एक सम संख्या आ रहा है, तो ये बात निश्चित रूप से कही जा सकती है कि उसमें 2 जो होगा वो निश्चित रूप से होगा, यानी कि पहली जो अभाज्य संख्या है वो निश्चित रूप से होगी। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए। जब आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा। समझ में आ गया आपको? मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल एक सम संख्या होता है, लेकिन अगर 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल एक विषम संख्या आ रहा है, इसका मतलब है उसमें निश्चित रूप से 2 होगा, तभी उसका योगफल जो है वो विषम आ सकता है। अगर 3 अभाज्य संख्याओं का जो योगफल है वो हमेशा विषम संख्या होता है, लेकिन अगर सम संख्या आ रहा है, तो ये बात निश्चित रूप से कही जा सकती है कि उसमें एक संख्या जो होगी वो 2 निश्चित रूप से होगी। अब इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आए हैं, ये क्वेश्चन मैं आपको आया हुआ ही बता रहा हूँ। अब 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या दिया हुआ है? 91। अब अगर 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल एक विषम संख्या आ रहा है, तो ये बात निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इसमें 2 निश्चित रूप से होगा। तो 1 अभाज्य संख्या तो आ गई 2, तो दूसरी क्या होगी? 91 में से घटा दो, यानी कि 89 होगी। अब बताओ इस क्वेश्चन में आपको कितना टाइम लगेगा? लेकिन अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इससे बड़ा क्वेश्चन भी पूछा गया, जैसे
ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि तीन अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है, यदि इनमें से एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या से 36 अधिक है तो सभी अभाज्य संख्याएं क्या होंगी। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। जैसे आपने देखा कि तीन अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि तीन अभाज्य संख्याओं का योगफल नॉर्मली एक विषम संख्या होता है, लेकिन अगर सम संख्या आ रहा है इसका मतलब एक संख्या तो दो होगी, निश्चित रूप से ये फिक्स हो गया। अगर एक संख्या दो हो गई यानी कि बची हुई जो दो संख्याएं हैं उनका योगफल कितना बचा, दो घटा दो इसमें से यानी कि 98। फिर आगे क्या दिया है, यदि उनमें से एक संख्या दूसरी से 36 अधिक है यानी कि बी और सी का जो डिफरेंस है वो कितना है, 36। बस साल पर लो क्वेश्चन, अगर आपको दो संख्याओं का योगफल दिया और अंतर दिया है तो बड़ी संख्या निकालनी यानी कि बी अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे, इनको जोड़ के आधा कर दो, तो जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका 134/2 यानी कि कितना हो जाएगा 67। अगर छोटी संख्या निकालनी है तो क्या हो जाएगा, इनको घटा के आधा कर दो, कितना आ जाएगा 8 में से 6 गया तो कितना बचा 2, और 9 में से 3 गया तो कितना बचा आपका, 9 में से 3 गया तो कितना बचा आपका 6 और 2 यानी कितना जाएगा आपका 31। तो संख्याएं आपकी क्या हो गई, 2, 31 और आपकी 67। क्लियर, तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। एक और क्वेश्चन अभाज्य संख्याओं पर पूछा गया, ये भी क्वेश्चन आपका मेंस एग्जाम में आया हुआ है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कि 3 और 5 है, अगर हम इसका रेशियो निकालें तो कितना होगा, 3 और 5 होगा, यानी कि अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वही उनका रेशियो होता है। क्लियर, तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि 4 लगातार अभाज्य संख्याओं में से प्रथम 3 एवं अंतिम 3 का जो गुणनफल है वो कितना है, 385 और 101001 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो किसी जुगाड़ से अगर हमें रेशियो पता चल जाए तो हम बता सकते हैं जो रेशियो होगा वही संख्या होगी। तो पहली 3 मान लेते हैं, 4 संख्याएं क्या है, ए बी सी और डी, तो यहाँ पे ए बी सी की जो वैल्यू है, पहली 3 का गुणनफल 385 है और दूसरी जो 3 है यानी कि बी सी डी का जो गुणनफल है वो 1001 है। तो आपको पता है कि अगर आपको यहाँ पे रेशियो पता चल जाए तो आप संख्या बता सकते हो। तो नॉर्मली आपने देखा कि यार यहाँ पे बी सी कामन है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, सेकेंड वाले को फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं, तो डी और बटे क्या आएगा, ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1001/385, ये 11 से कट जाएगा, 11 99, 11 51 11 11 3 33 और 11 55, 7 से काटो, 7 51 7, 7 3 21 और 7 5 35, यानी कि अनुपात कितना आया, 13:5, यानी कि बड़ी संख्या जो होगी वो क्या होगी, 13 होगी और छोटी संख्या 5 होगी। क्यों, क्योंकि जो अभाज्य संख्याओं का अनुपात होता है वही वो संख्याएँ भी होती हैं। तो इस कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चन आपका आया है, इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा ये क्वेश्चन आपके लिए, आप इसका आंसर कमेंट करिए कि 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल 80 है, यदि इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 4 अधिक है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। उम्मीद करता हूँ कि जो कॉन्सेप्ट मैंने आपके बीच में डिस्कस किया आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। कल फिर मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तो करना क्या आपको, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा मिले। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।